जी की पूजा में शिवलिंग के जलाभिषेक का विशेष महत्व है, लेकिन क्या ये कोई प्रथा मात्र है या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसके पीछे का कारण और क्या है इस जलाभिषेक के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य। सावन में शिवलिंग के जलाभिषेक की पौराणिक कथा। वैसे तो शिव पुराण की कथा के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और इससे सबसे पहले हलाहल विष निकला था। उस विष के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया और अब समस्या यह थी कि उस विष का होगा क्या। तब देवों के देव महादेव ने इस संकट से सृष्टि को बचाने का निर्णय लिया और संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण कर लिया। तभी विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली। और यह घटना सावन के महीने में ही हुई थी, इस वजह से हर साल सावन के महीने में ही भगवान शिव का जलाभिषेक ज्यादातर किया जाता है ताकि शिव जी प्रसन्न हो। और तभी से हर साल सावन के महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा भी शुरू हुई। आइए अब हम जानते हैं शिव जी के जलाभिषेक का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो वैज्ञानिक कारण यह है दोस्तों कि बहुत सारे शोधों में पाया गया कि सभी ज्योतिर्लिंगों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। ये ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है और इनसे जो ऊर्जा निकलती है वो रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं। इसलिए इस प्रलयंकारी ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंगों पर जल चढ़ाया जाता है। तो वीडियो के लास्ट में एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने भी ऐसी कोई दिव्य ऊर्जा महसूस की है और शिवलिंगों पे या ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक किया।